एवरीवन, आज की कड़ी में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे। अंग दान की सबसे बड़ी समस्या जीवन और मृत्यु पर हमारे दृष्टिकोण में निहित है। यदि आप सोचते हैं कि जीवन मैटर का एक प्रोडक्ट है, यानी पदार्थ का ही सिर्फ एक उत्पाद है, तो आप अपने शरीर को एक प्रकार की मशीन के रूप में देख सकते हैं, जिसका उपयोग कबाड़ खाने में पड़ी हुई एक पुरानी कार की तरह अन्य मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। लेकिन यदि आप आत्मा या चेतना के जीवित उपकरण के रूप में शरीर को देखते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये शरीर उस इनर सेल्फ की लिविंग एक्सप्रेशन है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य जो सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है, उससे प्रभावित होता है। और कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। उनके ऑर्गन्स उनकी चेतना का सटीक दर्पण है और उनके वाइब्रेशन या आभा क्षेत्र का कुल योग है। किसी से भी कोई ऑर्गन लेकर उसे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करना एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन व्यक्ति की कमजोरियों और गुणों को वहन करता है। इसीलिए धीरे धीरे नए व्यक्ति के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल बॉडी में अराजकता पैदा कर सकता है। कभी कभी पीड़ित की पर्सनैलिटी को भी बदल सकता है। जब सामान्य और भौतिकवादी स्तर से देखा जाए, तो अंगों का ट्रांसप्लांट करना केवल एक फिजिकल और एक हार्मलेस प्रोसेस प्रतीत हो सकती है। दूसरी ओर इस प्रक्रिया और मुद्दे का अनदेखा एक इजोटेरिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के विशिष्ट कार्मिक रूप से निर्मित ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स और सेल्स को सर्जरी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विशिष्ट कार्मिकली बॉडी और सिस्टम के साथ डाला और जोड़ा जाता है। वर्तमान में जिन अंगों का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, वे हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, थाइमस, आईज आदि हैं। किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा कॉमन है, इसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट और उसके बाद हृदय ट्रांसप्लांट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ साथ लिम्ब ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्किन कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी है। हमारे सभी आंतरिक अंगों का एक निश्चित रहस्यमय पहलू होता है, जिसका अर्थ है इजोटेरिक यानी गूढ़ या आंतरिक पहलू। स्प्लीन एथरिक बॉडी का भौतिक वाहन है और लिवर मनुष्य में एनिमल डिजायर्स और पैशंस का सीट है, यानी एस्ट्रल बॉडी का भौतिक वाहन है, जिसे हम कामा शरीर कहते हैं। ब्लेवेस्की ने अपने आर्टिकल साइकिक एंड नोएटिक एक्शन में कहा है कि हमारे कुछ फिजिकल ऑर्गन स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी से जुड़े हुए हैं, यानी कारण शरीर से जुड़े हैं, जबकि अन्य ऑर्गन हमारी पर्सनालिटी से संबंधित हैं। हमारे भौतिक शरीर के हर हिस्से में जो कुछ भी हमें दिखता है, उससे कहीं अधिक होता है। द लाइट ऑफ एशिया में उन्होंने कहा है कि अनदेखी चीजें अधिक हैं, अर्थात हम जो भी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, वो एक अंग से कहीं ज्यादा है। कॉस्मिक माइंड टाइटल वाले आर्टिकल में ब्लेवेस्की कहती हैं कि ऑकल्टिज्म हमें बताता है कि प्रत्येक एटम अपने आप में एक छोटा सा यूनिवर्स है, और यह कि मानव शरीर का प्रत्येक ऑर्गन और सेल अपने स्वयं के ब्रेन, मेमोरी, एक्सपीरियंस और डिस्क्रिमिनेटिव पावर से संपन्न है। ब्लेवेस्की आगे बताती हैं कि प्राचीन हिंदुओं ने मानव शरीर की प्रत्येक सेल को चेतना प्रदान की, प्रत्येक को एक भगवान या देवी का नाम दिया, प्रत्येक एटम को एक इंडिपेंडेंट यूनिटी और प्रत्येक सेल को कॉन्शियस यूनिट मानता है। और जब जैसे ही एटम्स ग्रुप बनाकर सेल्स को बनाते हैं, वे सेल्स अपनी अपनी तरह की कॉन्शियसनेस से संपन्न हो जाती हैं और कार्य करती हैं। मेमोरी का स्थान निश्चित रूप से न तो यहाँ है और न ही वहाँ, बल्कि पूरे मानव शरीर में हर जगह है।
वास्तव में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की अपनी स्मृति होती है, प्रत्येक सेल के पास अपनी तरह की मेमोरी होती है। डेली रूटीन्स के कार्यों की जैसे खाना पीना, व्यक्तिगत सुखों का आनंद लेना, ये सब हमारे हायर माइंड से संबंधित नहीं होता। केवल हमारे इमोशनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, स्टमक, स्प्लीन एक्सेट्रा के साथ डेली रूटीन की मेमोरी स्टोर्ड रहती है। ऑकल्टिज्म सिखाती है कि लिवर और स्प्लीन सेल्स हमारे पर्सनल माइंड के कार्यों के सबसे अधिक अधीन होते हैं और हार्ट सर्वोत्कृष्ट अंग है जिसके माध्यम से हायर सेल्फ लोअर सेल्फ के माध्यम से कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव शरीर एक विशाल साउंडिंग बोर्ड है जिसमें प्रत्येक सेल अपने मूल ऑर्गन से जुड़े प्रभावों का एक लंबा रिकॉर्ड रखती है और प्रत्येक सेल में अपनी तरह की एक मेमोरी और कॉन्शियसनेस होती है। जब कोई आत्मा किसी विशेष शरीर में जन्म लेती है तो शरीर का हर हिस्सा, यहाँ तक कि हर एक सेल व्यक्तिगत कर्म के भौतिक पक्ष से प्रभावित होता है और बाद में शरीर का हर हिस्सा अगले जन्म के अनुभवों के छापों और रिकॉर्डिंग से भरता जाता है। आइसिस अनवील के पहले खंड में ब्लेवेस्की बताती हैं कि डोनर और उसके शरीर के हिस्से जो दूसरों को दान कर दिया गया है उनके बीच भी एक निरंतर चुंबकीय संबंध कायम रहता है। उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का दिया गया है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और जिसके नए बाल अंततः डोनर के साथ ही सफेद हो गए थे, और विक्टोरियन समय के किसी व्यक्ति का भी उदाहरण दिया गया जिसे डोनर की पीच की त्वचा और टिश्यू से निर्मित एक कृत्रिम नाक मिली थी। जब अंततः डोनर की मृत्यु हो गई तो दूसरे व्यक्ति की नाक स्वतः ही गिर गई। कुछ लोग मृत्यु के बाद अपने अंग को डोनेट करने में कमिटेड होते हैं, तो मरने के बाद उस व्यक्ति से ईथर रूप से वो जुड़ा ही रहेगा जिसके पास उसका अंग है, क्योंकि मृतक का ईथरिक बॉडी उस व्यक्ति के जीवित लाइव ऑर्गन से चिपक जाएगा। इस तरह का अटैचमेंट उस व्यक्ति की चेतना में भ्रम पैदा कर देगा जिसने ट्रांसप्लांट प्राप्त किया था। अंततः वह अपनी पर्सनैलिटी खो देगा क्योंकि डोनर का ईथरिक बॉडी उसके ईथरिक बॉडी से जुड़ गया है। परिणाम स्वरूप अपना अंग दूसरे व्यक्ति को देने वाले के इवोल्यूशन में भी देरी होगी। हार्ट कॉजल बॉडी का भौतिक अंग है और प्रत्येक कॉजल बॉडी का अपना विकास का स्तर होता है। ये ट्रांसप्लांट नए मालिक और डोनर दोनों के विकास के विरुद्ध काम करेगा। कॉजल बॉडीज के असमान विकास के कारण फिजिकल हार्ट का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। यदि आप ऐसे हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं जो कॉजल बॉडी के दबाव को ट्रांसमिट नहीं कर सकता तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट असफल हो जाएगा। ये हार्ट ही है जो ब्रेन को प्रज्वलित करता है और चेतना उत्पन्न करता है। हार्ट के ट्रांसप्लांट में व्यक्ति चेतना के तंत्र में कैओस यानी अराजकता पैदा हो सकती है। अगर ट्रांसप्लांट किया गया हृदय जीवित रहता है तो पेशेंट की ईश्वरी स्पार्क डेड हार्ट यानी मृत हृदय को वापस लेने की कोशिश करेगी और नए हृदय में प्लांट करने की कोशिश करेगी। तब तक हृदय में दो जीवन धागे होंगे, जीवन ऊर्जा के दो प्रवाह होंगे जो हृदय को ओवरलोड कर देंगे और मेमोरी और कॉन्शियसनेस में भ्रम विकसित करेंगे। यह एक साइकोलॉजिकली गड़बड़ी पैदा कर देगा। मानव हृदय एक एथरिक और एस्ट्रल हार्ट से घिरा होता है। हृदय न केवल एक मांस का टुकड़ा है बल्कि उसका एक स्फीयर भी है। इंटरनेट में आप आसानी से आपको डिटेल मिल जाएगी जिनके व्यक्तित्व, रुचियां, प्रवृत्तियां, विशेषताएं आदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राप्त करने के बाद महत्वपूर्ण रूप से बदल गई। डॉक्टर इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसे समझा सकता है। आज मीडिया के कुछ हिस्सों में ऑर्गन डोनेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि
ट्रांसप्लांट की आवश्यकता वाले लोगों की तुलना में डोनर बहुत कम है। जैसे कि बहुत से लोग और ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रचारित करते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंगों को प्रत्यारोपण दान के रूप में चिकित्सा विज्ञान के लिए न छोड़ना स्वार्थी है, इसीलिए हमें किसी के जीवन को बचाना या बढ़ाना चाहिए। हालांकि दूसरों के कष्टों और जरूरतों के प्रति करुणा आवश्यक है, पर ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। अंगों को खरीदना और बेचना इतना बड़ा व्यवसाय हो गया है कि अब गरीब और असहाय लोगों की जबरदस्ती अंग निकाले जा रहे हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। कई बार ऐसी हत्याएं भी सामने आई हैं जो अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित हैं। बेहतर होगा कि लोग अपने अंगों के रखरखाव की जिम्मेदारी लें, उसे नष्ट न होने दें। ये फैक्ट कि प्राप्तकर्ता के शरीरों द्वारा अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अस्वीकार कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पर विकिपीडिया के अनुसार 50-60% किडनी ट्रांसप्लांट सफल ऑपरेशन के बाद भी प्राप्तकर्ता के शरीर द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है। दूसरा कॉमन ट्रांसप्लांट लिवर है और उसमें भी 10-30% तक लिवर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। शरीर से लिए गए किसी भी अंग का एक एथरिक और एस्ट्रल काउंटर पार्ट होता है। जब एक निश्चित शरीर में एक नया अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके ईथर और एस्ट्रल अंग इसे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि यह एक अलग साइकोलॉजी के प्रभाव से निर्मित होता है। उस अस्वीकृति के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं तो डॉक्टर्स आमतौर पर दूसरे ट्रांसप्लांट को करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी यह दूसरा ट्रांसप्लांट सफल हो जाता है, लेकिन कभी कभी शरीर द्वारा फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। अंग प्रत्यारोपण को बार बार अस्वीकार करने से अंततः शरीर को भारी तनाव और आघात होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पूरी प्रक्रिया कहीं भी उतनी सहज, परिपूर्ण और सफल नहीं है जितनी मीडिया और डॉक्टर्स बताते हैं। और वास्तव में तकनीकी रूप से कहें तो सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ता के शरीर द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसीलिए प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन भर पावरफुल दवाइयां लेना पड़ता है ताकि उस नए ऑर्गन से होने वाले निगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जा सके। थियोसॉफी और सभी भारतीय धर्म सिखाते हैं कि जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, हमारे कर्मों का परिणाम है और कर्म के नियम से बच निकलना असंभव है। इस प्रकार यदि कोई घातक चीज से बहुत बीमार हो जाते हैं तो स्पष्ट है कि हमें ऋण चुकाना है और उस विशेष कर्म ऋण को स्वीकार करने के लिए खुद को त्याग देना चाहिए। बहुत से लोग दुर्भाग्य से अपने जीवन के अंत में किसी भी तरह से अपने जीवन को लंबा खींचने की व्यर्थ कोशिश करके अपने लिए और भी अधिक और बदतर पीड़ा और संकट पैदा कर लेते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की समझ और स्वीकृति लोगों को शांति, आशा और आश्वासन के साथ अपने जीवन समाप्त करने में मदद कर सकती हैं। कर्म का नियम सेल्फ क्रिएटेड डेस्टिनी है। इसका अर्थ है कि वास्तव में दुनिया में कहीं पे भी कोई अन्याय नहीं होता। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारे द्वारा ही कार्यों का नतीजा है। विलियम जज लिखते हैं कि फिलोसफी के साथ साथ धर्म ने भी हमेशा सिखाया है कि आत्मा पीड़ा से शुद्ध और मजबूत होती है और कभी कभी पीड़ा सहना भी अच्छा होता है। यदि कर्म की डायनामिक्स को हम समझ सके तो पीड़ा सहने में हमारे बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो लोग इस फैक्ट को जान लेते हैं वो मेंटल सफरिंग से दूर हो जाते हैं और स्वेच्छा से शांति और त्याग के साथ अपनी पीड़ाओं को सहन करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन लेने से इनकार कर देना चाहिए या डॉक्टर के पास जाने या ऑपरेशन करने से बचना चाहिए। वे चीजें महत्वपूर्ण हैं और वास्तव में कभी कभी आवश्यक भी होती हैं। विलियम जज कहते हैं कि वहां जो बीमारी के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है वो केवल यह फैक्ट है कि पीड़ा और बीमारी कभी कभी हम पर लाभकारी परिवर्तन और मुक्तिदायक प्रभाव डाल सकती है, चाहे बीमारी
बीमारी अस्थाई हो या स्थाई, कभी कभी यह हमें अपने जीवन को पटरी पर वापस लाने के लिए आवश्यक अवसर और प्रेरणा प्रदान कर सकती है और अपना ध्यान जीवन की अधिक सार्थक और मूल्यवान चीजों पर केंद्रित करना चाहती है। विज्ञान को प्रत्यारोपण के बजाय बीमारियों के कारणों का पता लगाकर इन्हें खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लोगों को सिखाना चाहिए। टॉरपम कहते हैं कि आपको कभी भी किसी का ऑर्गन नहीं लेना चाहिए, आपको इस दुनिया से शांति से विदा हो जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में आप अपने स्वस्थ अंगों के साथ वापस आकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। किसी को भी ऑर्गन डोनेट करना कर्मा में एंटेंगलमेंट यानी कि हस्तक्षेप माना जाता है। हालांकि विचार, राय और विकल्प पत्थर की लकीर नहीं है, बदलती परिस्थितियां किसी मुद्दे पर किसी व्यक्ति के पर्सनल रुख को बदल सकती हैं। पर यदि आपके लव्ड वंस या फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है तो ये आपका धर्म है कि आप उनकी मदद करें। तो धर्म और कर्म के बीच आपका स्वयं का व्यक्तिगत चुनाव है। अपने हृदय की सुनिए और उसका पालन करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।